press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चलिए और आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में अगर जाने जरा कब आप हीरोइन के रूप में हीरोइन मत बनाइए यार, मैं आइटम करके खुश हूँ और मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आइटम आपके हीरोइन के रूप में भी आपको देखना चाहते हैं बिहार में, काठमांडू में भी आपके हजारों की तादाद में फैंस हुए होंगे, तो हीरोइन के रूप में भी देखना चाहते हैं आपको, तो कभी ये सपना साकार नहीं? तो मैं कभी भी एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं हीरोइन नहीं बनना चाहती हूँ। हाँ, मैं आइटम के अलावा अगर किसी फील्ड में अपने आप को देखना चाहती हूँ, कुछ करते हुए अपने आप को देखना चाहती हूँ, तो वो है कॉमेडी, जो राजा बाबू में लोगों ने मुझे पसंद किया था। मेरी ऐसे कितनी फिल्में अभी आने वाली है, खुददार, जिसमें आप लोग मुझे कॉमेडी करते हुए देखेंगे, और मेरी फिल्म है बॉर्डर निरवा एंटरटेनमेंट की, वो फिल्म का किरदार जो मेरा है लोग सालों साल तक याद करेंगे, और उस नाम से बबली के अलावा अगर कोई दर्शक मुझे जानेंगे तो उस नाम से जानेंगे। बस उस फिल्म का मुझे इंतज़ार है और आगे आप लोग मुझे एक्टिंग करते हुए देखेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी। चलते चलते एक आखिरी सवाल, अगर कोई डायरेक्टर आपकी मनपसंद कहानी आपको तो क्या सीमा से हीरोइन के नजर आपके दिल की? हाँ, अगर मुझे लगता है कि कुछ अलग है, बहुत अलग है, हटकर है कहानी, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। और ऐसी काफ़ी फिल्में हैं जो मैं कर भी रही हूँ, हाँ, लेकिन उसमें मेरा आइटम नहीं छूटना चाहिए, बस मेरा ये कहना है। एक आइटम आप अलग से डाल देना कि हीरोइन गई ढाबे पे और उसने आइटम कर दिया, बस, तो मैं कर लूँगी, मेरी ये शर्त रहेगी। आज दो फिल्मों का मुहूर्त है, मेरे सपनों के राजकुमार और पवन एक्सप्रेस। मैं ढेर सारी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे प्रोड्यूसर पवन कुमार जी का, हमारे डायरेक्टर गोपाल पाठक जी का, जिन्होंने मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनाया है और आज इतनी अच्छी तरह से मुहूर्त किया है फिल्म का। और बहुत जल्द हम लोग शूट पर निकलने वाले हैं, जैसे मैंने सुना है बम्बई और काठमांडू, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी शूटिंग मुंबई नहीं होकर काठमांडू हो। ऐसा क्यों? दोनों फिल्मों में आप आइटम सॉन्ग करते भी नजर आएंगी या फिर कुछ और होगा इसमें? नहीं, फिलहाल तो सिर्फ एक भोजपुरी तड़का लगाते हुए दिखाई दूंगी आप लोगों को और मैं उसी में खुश हूँ। खास इसलिए क्योंकि मैं लाइफ में पहली बार अभी शो करने गई थी, होली स्पेशल था हम लोगों का जनकपुर में, और सच बताऊँ तो जब हम पहली बार किसी जगह जाते हैं तो बहुत घबराहट हुई रहती कि कैसे होंगे लोग, कैसे होंगे, पता नहीं भोजपुरी गाने पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने सुना तो था कि काफ़ी भोजपुरी फिल्में वहाँ देखी जाती है, अच्छी कमाई हमारी नेपाल से, काठमांडू से होती है, और जैसे स्टेज पे चढ़ी हूँ तो मैंने खुद पब्लिक से भी बोला था कि मैं इतना घबरा रही थी, और यहाँ पर आकर तो मतलब मुझे इतना प्यार मिला है नेपाल से, काठमांडू से मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं बार बार वहाँ जाना चाहूँगी। और मैं जब से आई हूँ तब से मैं सबसे पूछती हूँ कहाँ शूटिंग हो रही है, कहाँ शूटिंग, इन्होंने कह दिया बम्बई काठमांडू, अच्छा सर मेरा गाना आप काठमांडू में ही कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने दर्शकों से मिलना चाहूँगी, हम कलाकार प्यार के और इज्जत के भूखे होते हैं, जो प्यार और इज्जत नेपाल ने दिया है हम बार बार वहाँ जाना चाहेंगे। अच्छा, आपके भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी भी एक न्यूज़ है अमर उजाला पे, कल मैंने देखा कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह के बीच में झड़प हुआ, काफ़ी मारपीट हुआ, तो किस तरह से इसको देखती हैं? सीरियसली बोलूँ तो मैं कंटिन्यू डेढ़ दो महीने से आउटडोर हूँ, और अभी मैं एक दिन पहले ही बॉम्बे आई हुई हूँ। मेरा एक आदत है कि जब तक मैं अपने आँखों से ना देखूं मैं उन न्यूज़ पे विश्वास नहीं करती हूं। मैंने बहुत जगह ये सब न्यूज़ देखा, कोई बुरा सच है कोई बुरा ये है, लेकिन मैं अभी तक इस न्यूज़ को फेक मानती हूं क्योंकि मैंने अपने आँखों से नहीं देखा है, मैंने भी सुना ही सुना है, बाहर बाहर थे हम लोग तो हमने सिर्फ सुना है। अमर उजाला की वेबसाइट ने डाला है ये, तो उन्हें भी तो किसी ने बोला ही होगा ना, वो वहाँ तो होंगे नहीं देखने के लिए। मेरा बोलना ये है, मतलब मैं उनको गलत नहीं बोलती हूँ, मैं मेरा रूल बता रही हूँ कि मैं जब तक अपने आँखों से नहीं देख लूँ मैं उन बातों पे विश्वास नहीं करती हूँ। ये सच है तो आप किस तरह से लेती हैं इस चीज़ को, फैंस में किस तरह का प्रभाव पड़ता है, एक सेलिब्रिटी इतनी बड़ी नहीं, जो अगर देखिए मेरे हिसाब से न्यूज़ फेक है और अगर सच ये हुआ है तो ये गलत बात है, मतलब मुझे खुद को फिर दुख होगा क्योंकि पूरी इंडस्ट्री, एक होता ना कलाकार कलाकार का फैन नहीं होता है, मतलब बहुत कम होते हैं दर्शक के हिसाब से, हमारी इंडस्ट्री में भी लोग पवन जी के फ़ैन हैं, अक्षय जी के फ़ैन हैं, पवन जी की तो गायकी के लोग दीवाने हैं, उनके जैसे गायकी किसी की है ही नहीं इंडस्ट्री में, तो हेडिंग भी कुछ ऐसी थी लॉलीपॉप
हाँ मतलब मैंने मेरे लाइफ का पहला हिट गाना उनका था आरा जिला उखाड़ दिला किला. तो अगर सच में ये न्यूज़ सच होगी तो मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी तक इस न्यूज़ को फेक मान रही हूँ जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ना देख लूँ, खुद उनसे बात नहीं कर लूँ या उनसे खुद पता नहीं चले तब तक मैं इस न्यूज़ को सच नहीं मानूंगी. बहुत सारी न्यूज़ चल रही थी कि शादी के बाद बहुत लफड़े चल रहे थे, पंगे चल रहे थे, कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन देखने को मिला. ऐसा नहीं है लोग, मैं बताऊँ मसाला मिल जाता है आप लोगों को तो आप लोग मसाला लगाने में लग जाते कि शादी हो गई और फिर अक्षय जी को मारा. और ये ऐसा कुछ नहीं है, शादी उनकी एक पर्सनल लाइफ है और हमें भी बहुत खुशी है. हमने भी अपडेट किया था कि बहुत सारी शुभकामनाएं पवन जी को, जहाँ तक हम जितना जानते हैं. मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि इस न्यूज़ को मैं फेक मानती हूँ.